बात की शुरुआत करते हैं। लगभग 3 साल लगे इस कार्ड को कराने के लिए और इतना जटिल रास्ता होता है इन कामों को कराने के लिए। ये तो मुझे पहले बार एहसास हुआ। मेरे 4 साल के सांसद काल में ऐसा एक बार ऐसी कोई दूसरी बात नहीं जिसमें इतना मुझे समय लगाना हो, इतनी जगह जाना। काम आसान नहीं था। इस काम को कराया, शुरू में मैंने कहा था कि आप बदल सकते हो, मैं बदलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। और जो मैंने कहा, मेरी बात कुछ सही हुई। अब कोई कह रहा है कि मुझे पता नहीं, लाभ लेने के लिए किसी को पता देने की जरूरत नहीं होती। लाभ का जहां मामला होता सब पता लगा। जहां कर्तव्य निभाने की बात आती है, कुछ देने की बात आती है, तब कई कई बहाने बन जाते हैं कि हमें तो पता ही नहीं, मैं उठ करके अंकित यहां जा सकता, डीडीए जा सकता, तो जिनको इतना भारी लाभ है यहां नहीं जा सकते। जिनको इतना भारी लाभ है वो नहीं आ सकते। यही हमारे में वो आप में फर्क है। इस हाल को इसलिए करा गया था क्योंकि आप गरीब नहीं। मन गरीब हो तो अलग बात है, गरीब नहीं। आज के समय में लोगों का नजरिया बदल गया और ज्यादातर वहां तक की शादियां मीटिंग ठंडे जगह पे होने लगी। ये जमाना था जो लोग बाहर कर लेते थे, ये खुशी का अवसर था। कुछ आपने पाया है यहां पर, आपको भारी संख्या में आकर के विचार विमर्श करना चाहिए था। आपका अपना भी चिंतन होना चाहिए कि आगे हम आप क्या करें और वेलफेयर के लिए। और उसके बाद ये जो कार्यक्रम होना था, जो औपचारिकता, ये भी आपकी भाते खैर वो आपकी भार है। और जब ये देरी हो रही थी तभी लग रहा था कि लाखड़ा जी की आवाज नहीं आ रही, वहां से पुकार नहीं आ रही। लास्ट में जो फोन आने लगा था, एक दो बार 4 मिनट लगा चलने में, तो मैं समझ गया था कि कोई कमी जरूर है, सस्ती जरूर है। इंतजार कर रहे हैं हाथ भरने का लोगों का। लेकिन मैं अपने कर्तव्य पर कायम रहूंगा और ये आपका भी इसमें फायदा है। आपका सर्विस से लेकर के निजी काम तक के लिए अगर ये यूनियन बनाई है, इसमें मजबूती दोस्त थोड़ा देना नहीं सीखो, लेना ही लेना नहीं सीखो, देना ही सीखो। ऐसा तो नहीं है कि कोई खो करके आपने पाया है तो आपको लगे कि कौन सा हमें मिल गया है। ये तो एक तरह से मिल गई, नहीं भी मिल सकती थी, क्या कर लेते। बहुत जगहों पर ऐसा है। आजकल के सरकार की जो योजनाएं हैं, पॉलिसी हैं, मजदूर विरोधी हैं, कर्मचारी विरोधी हैं, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा, ठेकेदारी हो रहा, हड़ताल आप करते निकाल दिया जाता और सब ठेके पर दे दिया जाता, क्या कर लेते। पूरे देश में यही हो रहा। मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट, मैं धन्यवाद करूंगा बीजेपी का, उन अधिकारियों का जिन्होंने पार्सिट नोट लिखा है, जी का। आज के दौर में एक मजदूर विरोधी दौर चल रहा,
अनएम्प्लॉयमेंट का मैक्सिमम दौर चल रहा है। सर सारी फसादों का इलाज वो सोच रहे हैं निजी तरह से, प्राइवेटाइज कर दो उससे स्पेस बढ़ जाए। मैं निजी कर रहा हूं, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। तो इन परिस्थितियों में चाहे जितना आप हुज्जत करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो जरूरी नहीं कि आपकी बात मान भी नहीं करते, ये जरूरी है। और जिन्होंने कहा कि मैं हमारी बातें, हमारी मांगे पूरी करो चाहे जो मजबूरी हो, तो धीरे धीरे फैक्ट्रियां बंद हो गई सर, लोग विदेश चले गए, वहां पर कारोबार करते, सरकार ने आउटसोर्सिंग कर दी, कंट्रैक्ट पर दे दिया, ठेकेदारी प्रथा लागू कर दिया। लेकिन मानव स्वभाव लालची होता है, स्वार्थी होता है, जब मिल जाता है तो आदमी भूल जाता है, जब मुसीबत में रहता है तो उस समय कुछ भी करने को तैयार होता है। ये तो ये है, और इसी वजह से लोग भुगतते भी, कारण ये। तो आप लोगों ने भी बड़ी मेहनत करी, और जितनी ताकत मैंने डीडीए के या ओसीएम मेज में लगाई है, उतनी ताकत मैंने किसी भी काम को कराने में आपको नहीं पता, आपको पता नहीं है। ये रोज कई बार अंदर से बहुत तकलीफ में हो जाते थे कि मैं, मेरी व्यस्तता रहती थी, फोन आ जाता था कि फला जगह फाइल गई है, यहाँ निगेटिव हो रहा है, फला जगह है निगेटिव हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। आपको नहीं मालूम कितने सौ फोन किए, कितना फॉलो अप किया, हर स्टेट की नोटिंग की जानकारी हम रखते थे, कहीं निगेटिव ना हो जाए, हमारी भी मेहनत खराब, आपका जो लाभ मिलने वाला है वो भी। बड़ी मेहनत करेंगे तो मुश्किल से बड़े संघर्षों के बाद यह उपलब्धि मिली है। आप फिर से चिंतन करें और उस समय की बात को याद करें जब नहीं मिला, उस समय आपको नरेला बुलाया जाता तो सब पहुंचे और फिर भी कहते थे कि हो जाए। तो उस समय जो भी काम करी जाती सब तैयार हो, लेकिन जैसे ही काम निकलता, जबकि होना ही चाहिए कि जब काम हो जाए तो ज्यादा कृतज्ञ होना चाहिए, ज्यादा सेवा रत होना चाहिए, लेकिन यहां उल्टा ही, इस देश में भी उल्टा है, आपके आपके सामने भी कुछ लोग ऐसे हैं जो करते हैं कि डीडीए पर वहां भीड़ हो जाएगी, यहां नहीं, यानी दो कदम भी चलने वाला नहीं। चलिए वो भी देखा जाए, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि इतना तक तो करो जो आपके साथ भी ईमानदारी से रिश्ता निभाया है, उससे तो कम से कम ईमानदारी की रिश्ता निभाया। मैंने बड़ी ईमानदारी की रिश्ता निभाया, कई बार मेरी तौहीनी होती थी, मैं अपमानित महसूस करता था, डायरेक्टर को फोन करना, कमिश्नर को फोन करना, कमिश्नर फोन पे नहीं आ रहा, मामला इतना बड़ा था, उनको डॉक्टर भी नहीं जाते थे, व्यक्तिगत मामले तो हम डांट देते थे कि कहीं नेगेटिव हो जाए तो ऊपर वालों को भी ठीक करना मुश्किल हो जाए। खैर, आपका जीवन सुखी हो, इसका लाभ ले, इसके दूरगामी परिणाम है, बड़े फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हैं, ये लाभकारी है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आपने अभिनंदन किया मेरा, मैं आपका धन्यवाद दूंगा।